रहेगा, खा लेना बेटा। नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। करण चुपचाप खाना खाओ। नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए। अच्छा ठीक है, ये ले 2 रुपए, चल चॉकलेट ले ले, लेकिन उसके बाद खाना खाना होगा। हाँ। ये भाभी आपके भेजा लाड़ प्यार में ये इतना बिगड़ जाएगा कि बड़ा होकर भी ये घर से बाहर नहीं जाएगा। मैं ही जाने नहीं दूंगी। देख लीजिएगा भाई साहब, अगर मुझे बेटी हुई ना तो घर जमाई बनाकर इसे यहीं रख लूंगी। और अगर बेटा हुआ तो? यशपाल, यशपाल, मेरी टांग। अरे सुनो भाई सुनो, उठा मेरी टांग, जल्दी उठा, हॉस्पिटल ले चलो। अरे आप रो रहे क्यों, क्या बात है, मुझे नहीं बताएंगे? कौशल्या, यशपाल की दोनों किडनियां खराब हो गईं। क्या? मैं उसे अस्पताल में एडमिट करके आया हूं। डॉक्टरों का कहना है कि किडनी बदलने के लिए कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे। हाँ? तू ही बता कौशल्या कि इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊं? ये लीजिए। ये नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, रख लीजिए इसे। इससे क्या होगा कौशल्या? अब क्या होगा? आइए। पैसों का बंदोबस्त हो गया? नहीं डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर साहब आप मेरी किडनी ले लीजिए। आपकी? हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए। ठीक है, आइए। पैसे तू कहां से लाया? देख धनराज, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, बता इतने पैसों का इंतजाम तूने कहां से किया? अरे वाह दोस्त वाह। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब नहीं दोस्त, तो ऐसा भाई जिसने अपनी किडनी देकर अपनी दोस्त की जान बचाई, भगवान तुम दोनों की दोस्ती सलामत रखे। अरे देख धनराज, बस बस यशपाल, तू कुछ सोच मत, जल्दी से अच्छा हो जा। क्या हुआ बेटा? चाची के पेट में जोरों का दर्द होने के कारण को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए 5,000 रुपया चाहिए। डॉक्टर ने कहा बिना पैसों के ऑपरेशन नहीं होगा। यशपाल तू हॉस्पिटल जा, मैं सेठ जी से रुपए लेकर आता हूँ। जा जा। चल बेटे। सेठ जी मेरी बीवी और बच्चे की जान बचा लीजिए। मेरी बीवी और बच्चे की जान बचा लीजिए सेठ जी। क्या हुआ तेरे बीवी को? सेठ जी डिलीवरी के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टर का कहना है कि अगर तुरंत ऑपरेशन ना हुआ तो वो बच नहीं सकेगी, और अगर मैं 5,000 रुपए नहीं लेकर गया तो वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैं
मैं आपके पांव पड़ता हूँ सेठ जी, मेरी बीवी और बच्चे की जान बचा लीजिए, मुझे मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए सेठ जी, नहीं वो मर जाएंगे सेठ जी। अबे हट, 5,000 रुपया अरे मैंने ये जो फैक्ट्री बनाई है तुम जैसे लोगों को मुफ्त पैसे बांटने के लिए बनाई है क्या? मुझे मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए सेठ जी, आप मुझे कर्जा दे दीजिए, हर महीने मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। कर्जा देने के लिए मैं क्या साहूकार बैठा हूँ? मेरी बीवी बच्चे को बचा लीजिए। अरे तेरी बीवी बच्चे की जान बचाने का ठेका नहीं रखा मैंने क्या? धनराज बहुत देर करती है, कौशल्या भाभी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ये क्या हो गया कौशल्या, तूने जिंदगी भर दिन रात हम लोगों के लिए कष्ट पाए और हम तेरे ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सके। लानत है हम पर, लानत है हम पर। धनराज, धनराज संभालो अपने आप को, बेटी हुई है। बम्बल ड्रॉ, 5 रुपए में 5 करोड़ कमाओ। बम्बल ड्रॉ, 5 रुपए में 5 करोड़ कमाओ। कमा ले भाई, आज तो मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। चल कोई बात नहीं, ये ले 5 रुपए, आज तू अपने हाथ से निकाल टिकट, देखते हैं तेरी किस्मत कैसी है। 5 करोड़ वाला कौन सा है? ये रहा, ये लो, लाइए। ये लो, हाँ। यशपाल, अगर तेरे हाथ से निकाला हुआ एक टिकट लग गया ना, तो तेरी दोस्ती की कसम, इसका आधा हिस्सा तेरा होगा। 1 4 1 4 5 4 5 4 हे भगवान, आखिरी नंबर 9 3 9 3 लग गई, लॉटरी लग गई। अब तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, मेरी लॉटरी लग गई। 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, मैं अमीर आदमी हो गया, मैं अमीर आदमी हो गया। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। यशपाल के हाथों लॉटरी का टिकट खरीदते वक्त मैंने दोस्ती की कसम खाई थी कि अगर ये 5 करोड़ की लॉटरी हमें लग गई तो इसका आधा हिस्सा मैं अपने दोस्त को दूंगा। ये गाड़ी की, ये बंगले की और ये इस फैक्ट्री की चाबी।
राज। हाय, क्या आज तुम क्लास अटेंड नहीं करोगे क्या? नहीं यार, आज जरा फिल्म देखने का मूड हुआ, कुछ कुछ होता है। हमसे? तारा, जरा दिखा दे इसको अपना झटका। तारा बेटी, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हाँ पापा, आज आप मुझे जिंदा नहीं देख पाते अगर वो लड़का मेरी इज्जत नहीं बचाता। कौन कौन है वो बहादुर नौजवान जिसने हमारे उजड़ते हुए जीवन को संवारा? क्या है उसका नाम? राज। राज, तो बेटी बुला लो उसको अपने घर, हम उससे मिलना चाहते हैं। जी पापा। देख रहा तेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई, क्यों? आई एम मिसिंग हर। ए बबलू, जरा इधर आना। फोन तो कर। ओके बाय। बाय स्वीटहार्ट्स। बोल तारा रा रा। बोल मेरी तारा। ए बबलू, मेरा तुझसे एक काम है, करेगा? अरे तू हुक्म तो कर, मैं तेरे पैर भी दबाऊंगा। वो राज है ना, उसका तो मैं गला दबाऊंगा। अरे तेरे को लुंगी क्या पहना दिया, अपना हीरो समझता कॉलेज का? वो राज से मुझे कुछ काम है, उसे बुला लाना प्लीज। उससे अच्छा काम है? एक लुंगी में दिल दे दिया। ए राज, 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 एक मिनट, तुम लोग जाओ खाओ पियो। हाँ बोल बबलू। इसे काम है। हाँ बोल। वो तेरी बहन बुला रही है। कौन? तारा। अच्छा तारा। बोलो तारा रा रा। पागल। क्या बात है तारा? मेरे पापा ने
तुम्हें घर पे बुलाया है। क्यों? मालूम नहीं। लेकिन मुझे मालूम है। क्या क्या मालूम है? शायद तेरे डैडी के मन में हम दोनों की शादी का ख्याल आया। ना बाबा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर पहले घर चलो, फिर बताऊंगी। लेकिन आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है, कल आऊंगा। ठीक है, फिर कल बताऊंगी। कहाँ? हैंगिंग गार्डन। कितने बजे? ठीक 4 बजे। पक्का? हाँ पक्का। लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? अगर तू ठीक 4 बजे नहीं आई तो मैं समझूंगा। क्या क्या समझोगे? नहीं नहीं कोई बात नहीं रहने। नहीं नहीं क्या समझोगे? यही कि तू मुझसे प्यार नहीं करती। ठीक है। पहचानो कौन है? तुम्हारी तारा आ गई। मुझसे बात मत करना, ये क्या आने का टाइम हुआ? कितनी देर लगा दी? मैंने तुझसे कहा था कि अगर तू ठीक 4 बजे नहीं आई तो मैं समझूंगा तू मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती। नहीं बाबा, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुमसे ही प्यार करती हूँ। सच? हाँ हाँ सच। तो खा ले मेरी कसम। मुझे मालूम था कि तू कसम नहीं खाएगी, छूटी कहेंगी।
पापा ये है राज जिसने मेरी इज्जत बचाई थी। नमस्ते जी। और राज ये है यशपाल अंकल मेरे पापा के जानी दोस्त। नमस्ते जी। आप लोग बातें कीजिए तब तक मैं चाय बना के लाती हूँ। अच्छा तो आप ही मेरी बेटी की इज्जत बचाने वाले हीरो हैं। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। एक्टिंग मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। यशपाल ब्लैंक है इसमें जितनी चाहे रकम भर सकते हो। किस लिए? मेरी बेटी की इज्जत बचाने की और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाने की कीमत। क्या पैसे के लिए मैंने तारा की इज्जत बचाई? तो और किस लिए? वो तो मेरा फर्ज था। फर्ज नहीं चाल थी तुम्हारी। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। बाकी इतने लड़के वहां मौजूद थे उनमें से किसी ने उसकी इज्जत बचाने की कोशिश नहीं की। तुमने ही ऐसा क्यों किया? हाँ क्योंकि तुम्हें मालूम था कि तारा एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है इसलिए उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी पूरी जायदाद पर कब्जा करना तुम्हारा वाहिद मकसद था। गलत कह रहे हैं आप। मैंने अपना फर्ज अदा किया है। हम खानदानी लोग हैं। अरे तेरा कैसा खानदान? तू झोपड़े में रहने वाला गंवार लड़का। झोपड़े में रहकर महलों के ख्वाब देखने वाले गरीब लोग। तुम बहुत लालची होते हो। हम गरीब जरूर हैं लेकिन आप जैसे ढोंगी नहीं। मेहमान को घर में बुलाकर उसकी बेइज्जती करना आपके खानदान में होगा हमारे खानदान में नहीं। तुम्हारी औकात क्या है हमसे बात करने की? हाँ चुपचाप ये चेक उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। और आइंदा अगर मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा समझे? राज राज कहां जा रहे हो? पापा राज क्यों चला गया? जाने दो बेटी जाने दो उसे। मैं उसे तुम्हारी इज्जत बचाने की बख्शीश दे रहा था। उसे अच्छा नहीं लगा। तारा तारा बेटे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय डार्लिंग। थैंक यू पापा। मैंने तेरी बर्थडे पार्टी का सारा इंतजाम कर दिया है लेकिन अभी मुझे अपनी नई फैक्ट्री के काम के लिए जाना है। पर शाम को ठीक 8 बजे जब तू केक काटेगी मैं आ जाऊंगा। ओके बाय बाय। पापा आज अगर आप नहीं आए तो मैं केक ही नहीं काटूंगी। ठीक है आज भी दे। पापा मेरी इज्जत बचाने की बख्शीश ही दे रहे थे ना तो इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? वो इज्जत बचाने की बख्शीश नहीं दे रहे थे फिर? तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने की कीमत दे रहे थे। क्या? सच कह रहा हूँ। जाके अपने पापा को पूछ। अभी जाके पूछती हूँ। देख राज आज मेरा बर्थडे है और तुझे मेरी बर्थडे पार्टी पे आना ही पड़ेगा। सॉरी मैं नहीं आऊंगा। क्यों क्यों नहीं आओगे? जिस घर में मेहमानों को बुला के उनकी बेइज्जती की जाती है ऐसे घर में तो मैं कदम ही नहीं रखूंगा। देख राज मेरे लिए तो तुझे आना ही होगा। आएगा कि नहीं बोल। देख आज मैं तेरा इंतजार करूंगी। अगर आज तू नहीं आया तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी। हेलो हेलो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पिताजी कहाँ हैं? आ जाएंगे आप बैठिए ना। अच्छा
Hi. Many, many happy returns of the day. Thank you. You're looking nice. Thank you. Tara, बेटे, यहाँ आइए. एक मिनट हाँ. बेटी, सारे मेहमान आ गए. केक काटने का वक्त भी हो गया है, आप केक काटिए. नहीं अंकल, जब तक पापा नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी. ऐसा नहीं कहते बेटी, आप केक काटेंगी उसके बाद ही तो मेहमान खाना खाएंगे, तब तक डैडी आ जाएंगे, आप काटिए ना. नहीं अंकल, मैं केक नहीं काटूंगी. बेटी अगर तू केक नहीं काटेगी तो मेहमान बगैर खाना खाए चले जाएंगे, पूरा खाना वेस्ट हो जाएगा. जाने दो. बगैर खाना खाए अगर मेहमान चले गए तो उनका अपमान नहीं होगा. तो मैं क्या करूं, ये तो पापा को सोचना चाहिए था. बेटी समझा करो, पापा किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे. ये तो पापा का हमेशा का है, आज तक वो मेरे एक भी बर्थडे पे नहीं आए, लेकिन आज तो मैंने उनसे प्रॉमिस लिया है जब तक वो नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी. राज, बेटी तुम ही समझाओ तारा को. प्लीज तारा. सॉरी. तारा बेटी ऐसा मत करो, चलो केक काटो. नहीं आंटी. धनराज सेठ ने अच्छा नहीं किया, क्या हम लोगों को घर में खाना नहीं मिलता, इस तरह मेहमानों को घर में बुला के अपमान करने का. अरे ऐसे ही होते हैं अमीर लोग, जिसको अपनी बेटी की सुख की परवाह नहीं उसको अपने अपमान का क्या. चलो चलो, बहुत हुआ अपना मान और सम्मान, उसको अपनी बेटी का ख्याल नहीं हमारा क्या ख्याल रखेगा. चलो डैडी कभी आते ही नहीं है. नहीं आज वो जरूर आएंगे, क्योंकि आज उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया आने का. तेरी डैडी एक नंबर के झूठे हैं. झूठे. तू मेरे डैडी को झूठे बोली. तेरे डैडी झूठे. तेरी डैडी झूठे. तेरे डैडी झूठे. तेरी डैडी झूठे हैं. हमारी डैडी झूठे नहीं है. देखो हमारी मम्मी डैडी आए हैं. तेरी मम्मी कहाँ से आएगी, वो तो मर चुकी है. चल रोजी अपनी मम्मी डैडी के पास. डैडी आए और मेरे डैडी क्यों नहीं आए. डैडी हमेशा ऐसे ही करते, कहते आऊंगा आऊंगा और आते ही नहीं. अगर आज मेरी मम्मी जिंदा होती तो जरूर आती. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस एनुअल डे के फंक्शन में जिन बच्चों के नाम घोषित किए जा रहे हैं उन्हें हमारे प्रिंसिपल साहब इनाम देंगे. थर्ड प्राइज गोज टू पिंकी. वेरी गुड, वेरी गुड. फर्स्ट प्राइज.
ये लो बेटा। तारा बेटी, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं सर। अरे बेटी तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिला है, बच्चों को प्राइज मिले तो कितने खुश होते हैं, और तुम रो रही हो, मुझे बताओ क्या बात है? नहीं कुछ नहीं सर। ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम अपने साथियों से दो शब्द कहोगी? हाँ जरूर कहूंगी सर। अरे वाह वाह। सॉरी बेटे, मैं जरा काम में फंस गया था। काम काम काम,
आपका तो हमेशा का है, आप सिर्फ काम से और पैसों से प्यार करते हैं, औलाद से नहीं। बेटी बेटी मैं ये पैसा किसके लिए कमाता हूँ? तेरे लिए ही ना। मेरे लिए आप पैसे कमाते तो आप टाइम पे आ जाते, आज तक आप मेरे एक भी बर्थडे पे नहीं आए। इसका एक ही मतलब है कि आप सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं, औलाद से नहीं। नहीं बेटे, ये झूठ है। तेरा बाप तुझसे बहुत प्यार करता है, पैसे से नहीं। और जो ये दिन रात मेहनत करता है किसके लिए? तेरे सुख के लिए। बेटी आज तुझे एक ऐसी बात बताता हूं जो तुझे पता नहीं। तेरी पैदाइश के वक्त सिर्फ 5,000 रुपए के लिए डॉक्टर ने तेरी मां का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो चल बसी। उसी वक्त तेरे बाप ने तेरी मां की चिता के आगे ये कसम खाई। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए तेरी जान चली गई कौशल्या। आज तेरी चिता के सामने कसम खाता हूं कि अपनी बच्ची के सुख के लिए मैं अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि दुनिया भर की खुशियां इसके कदमों में डाल दूंगा। सॉरी पापा, ये तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने आपको गलत समझा। बस बेटे, बस बस Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tara, happy birthday to you। हमारे कॉलेज के एनुअल डे पर इस साल का बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड उस लड़के को दिया जाएगा जिसने इसी कॉलेज के एक लड़की की इज्जत बचाई। और इत्तेफाक की बात ये, जिस लड़की की इज्जत बचाई गई थी उसी लड़की के पिता के हाथों ये अवार्ड दिया जाएगा। और जहां तक मैं समझता हूं आप सब लोगों को ये पता है वो खुशनसीब कौन है। करेक्ट, तो इस मेडल का सही हकदार है। प्लीज
मुंबई की लड़की तारा ये तारा तारा ये तारा मुंबई की लड़की तारा तारा। यस पापा। यहाँ मेरे सामने आ। कैसा गाना गा रही थी हा? और वो क्या डांस था, और वो भी उस आवारा लड़के के साथ जिसने हमारे घर में हमारी बेइज्जती की। बेइज्जती उसने नहीं, आपने की थी। अरे हम तो तुम्हारी इज्जत बचाने की बख्शीश दे रहे थे उसे। बख्शीश नहीं, आप तो उसे मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने की कीमत दे रहे थे। बस बस, एक दूसरे के गले लगना, एक दूसरे को पकड़ना तुम्हें शोभा देता है क्या? सारे लड़के कैसे चिल्ला रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, तमाशा भी इससे अच्छा होता है। पापा ये तो एक कार्यक्रम का आइटम था, उधर ही एंजॉय करने का छोड़ देने का, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तुझे नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। समाज में मेरा मान है, प्रतिष्ठा है। मैं तुझे आखिरी वार्निंग देता हूँ, उस आवारा लड़के के साथ तेरा मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर दोस्ती हो तो बराबर के लोगों के साथ, आज से तेरा उस लड़के से मिलना जुलना एकदम बंद। वेटर। राज तुम क्या पियोगे? कोल्ड ड्रिंक। ओके वेटर। राज देखो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस राज का कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। एक मिनट, हाँ इसे ले जाओ। अरे तू भी शुरू कर। क्या एक ही बोतल में? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? किया तो डरना क्या? डरना ही होगा, नहीं तो मरना होगा। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, और प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। मैंने प्यार किया है, कर रहा हूँ और करता रहूंगा, और उसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। प्यार कोई खिलौना नहीं कि खेला और छोड़ दिया। प्यार निभाना पड़ता है, और प्यार निभाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वो पैसा है तुम्हारे पास? हमारी बेटी महलों में पली है, गाड़ियों में घूमती है, और ऐशो आराम की जिंदगी जीती है। इसमें से उसे देने के लिए क्या है तेरे पास? पैसा है, गाड़ी है, बंगला है। बोल क्या है तेरे पास? मेरे पास मेरा दिल है। देखो हम तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, आज के बाद हमारी बेटी से मिलना जुलना बिल्कुल बंद, समझे? क्या कर रहा है ये?
मिठाई खा। ये मिठाई किस खुशी में भाई? अरे भाई पहले खाना बाद में बताता हूँ खा। अब बता। वो जो अपने रास्ते का कांटा था ना, उसे मैंने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। मैं समझा नहीं। वो राज जिसने चेक के टुकड़े टुकड़े करके हमारे मुंह पर मारे थे। हाँ, क्या हुआ उसका? मैंने उसी राज के टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंकवा दिए। हाँ। क्या कहता है? अभी तो वो नरक का दरवाजा खटखटा रहा होगा। ये लीजिए मेरी जान लेने की कीमत 50,000 जो आपने आपके भाड़े के टट्टू को दिए थे। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की हरकत करते हुए। मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग इस तरह की घटिया हरकत करेंगे। अरे जिस आदमी ने तुम्हारी बेटी की इज्जत बचाई उसकी जान लेने को तुले हो। जानवर भी किया हुआ एहसान भूलता नहीं, फिर आप लोग तो जानवरों से भी घटिया किस्म के लोग हैं। अगर लोगों को इस बात का पता चला तो वो तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे। थू है तुम्हारी जिंदगी पर। अगर आपको मिठाई खिलाने का इतना ही शौक है तो उसे संभाल कर रखिए। यह मिठाई मेरी और तारा की शादी में काम आएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे जिगरी दोस्त यशपाल का बेटा करण आज ही अमेरिका से अपनी पढ़ाई खत्म करके इंडिया आया है और इसी खुशी में मैंने ये पार्टी रखी है। इसे पार्टी में किसने बुलाया है? कहो तो धक्के देकर बाहर निकाल दूं। नहीं नहीं, रहने दो यशपाल। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस दिन का इंतजार करता रहा हूं, क्योंकि आज मैं अपनी स्वर्गवासी पत्नी की इच्छा पूरी करने जा रहा हूं। यशपाल और मैं अब तक जिगरी दोस्त रहे हैं, लेकिन आज हम संबंधी बनने जा रहे हैं। अब करण तारा को सगाई की अंगूठी पहनाएगा। बगैर आपने मेरी सगाई कैसे तय की? मेरा जीवन साथी चुनने का अधिकार मुझे है या आपको? लेकिन जीवन साथी भी बराबरी का होना चाहिए या नहीं? हाँ, हम तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे। करण तुम्हें बचपन से जानता है और फिर तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी। करण अच्छा लड़का है। पापा, मैं करण से शादी नहीं करूंगी। मैं राज से ही शादी करूंगी। तुम्हें करण से ही शादी करनी होगी, और अगर तुमने राज से शादी करने का सोचा तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अपना सामान क्यों बांध रहे हो? मैं अपने गांव जा रहा हूँ हमेशा के लिए। लेकिन क्यों? तो यहाँ किसके लिए रहूं? यहाँ कौन है मेरा? मैं जो हूँ। अब तेरे ऊपर मेरा क्या अधिकार? तू तो किसी दूसरे की हो गई है। झूठ है ये। किसने कहा तुमसे? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? करण तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेकर अंगूठी पहना रहा था। लेकिन मैंने हाथ झटके से पीछे लिया, अंगूठी नहीं पहनी और शादी से भी इनकार किया। ये सब देखने के लिए तुम वहाँ नहीं थे। देखो राज,
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो शादी भी तुम्ही से करूंगी, लेकिन मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, वरना पापा जबरदस्ती मेरी शादी उस करण के साथ कर देंगे। नहीं तारा, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये तेरे पिताजी की मर्जी के खिलाफ होगा। प्लीज राज, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। ठीक है बाबा, मत लेके जाना, लेकिन गाड़ी में तो बैठोगे कि नहीं? चलो मैं तुम्हें बस स्टैंड पे छोड़ देती हूँ। अरे ये क्या कर रही है, मेरा हाथ तो छोड़। अरे अरे बस स्टॉप तो पीछे रह गया, और तुम मुझे यहाँ जंगल में कहाँ लेके जा रही है? हाँ हाँ बताती हूँ, चलो तो सही। अरे अरे ये रास्ता छोड़ के तुम मुझे यहाँ कहाँ लेके जा रही है, और पागल हो गए क्या? पागल? और ये गाड़ी क्यों रोक दी तूने? बताती हूँ बच्चू, गाड़ी क्यों रोक दी? तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे हो ना? जाओ जाओ पैदल जाओ। हाँ हाँ पैदल जाऊंगा, समझती क्या आपने आपको? अरे गांव में हमें 25-25 किलोमीटर चलने की आदत है। बैठी आई गाड़ी वाली।
करण से शादी नहीं करूंगी, मैं राज से शादी करूंगी। मैं करण से शादी नहीं करूंगी, 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 नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। डैड, अगर मैं शादी करूंगा तो तारा ही के साथ। हाँ बेटे, तेरी शादी होगी और जरूर होगी, और वो भी तारा ही के साथ। करण बेटा, तुम्हारे पिताजी ने दिन रात खून पसीना एक करके इतना बड़ा कारोबार बढ़ाया, मां और बाप दोनों का प्यार देकर तुम्हें बड़ा किया है। आज हम इस कारोबार की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहे हैं। दिल लगा के काम करना बेटा। जी, मैं वादा करता हूं अंकल, मैं आपके और पिताजी के बताए हुए रास्ते पे ही चलूंगा, दिल लगा के मेहनत करूंगा और पिताजी का नाम इस दुनिया में रोशन करूंगा। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। ऑल द बेस्ट, जीते रहो, जीते रहो। डैड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओहो, आइए आइए। ओए होए, आजा आजा। वाह वाह, क्या जिस्म है। आ बैठ। यू आर वेरी स्वीट। थैंक यू। कौन सी लिपस्टिक इस्तेमाल करती हो? वेट, लाइक इट? थैंक यू। वेलकम। बाय, सी यू सून। लग रही है मेरी परी अच्छी है। ये लड़कियां तो कयामत ढा रही है, आग लगा रही है पानी में। अरे डार्लिंग, हेलो, तू 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 इधर। अरे नहीं नहीं तुम नहीं, नहीं नहीं पूजा पूजा तू इधर आजा आजा। क्या कर रही है बेटी? कुछ नहीं पापा। क्या बात है, आज तू अपनी सहेलियों के साथ घूमने नहीं गई? मूड नहीं है पापा। क्या हुआ तेरे मूड को? तेरा चेहरा भी मुरझाया हुआ है। ठहर, मैं करण को तुझे बाहर घुमाने के लिए कहता हूं। करण के साथ? तो क्या हुआ, आखिर वो तेरा मंगेतर है? वो मेरा मंगेतर नहीं है, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। तुझे जाना ही होगा, चुपचाप तैयार हो जा। हेलो करण, क्या कर रहे हो बेटा? पूजा कर रहा हूँ अंकल। अरे वाह, शाबाश शाबाश, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू अंकल। क्यों फोन किया था? हाँ बेटा, वो तारा आजकल जरा उदास सी लग रही है, तो उसको कहीं बाहर घुमाने ले जाओगे? ठीक है अंकल, मैं अभी आया। हेलो अंकल। ओ हाय करण, आओ बेटा आओ। अरे बस बस, जीते रहो। तारा तारा बेटे, देखो करण आया। हाय तारा। हाय। अच्छा अंकल, चलते हैं। कम
दो कॉफी लाना। यस सर। करण, एग्रीमेंट साइन करने के लिए एक पार्टी आई है और रूम नंबर 420 में तुम्हारा इंतजार कर रही है, जरा जल्दी आना। ठीक है तारा, मैं एग्रीमेंट साइन करके 2 मिनट में आता हूँ। ओके अरे तारा, तू तो यहाँ अकेली क्या कर रही है? और राज कहाँ है? राज गांव चला गया हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? लेकिन क्यों? पापा जबरदस्ती मेरी शादी करण के साथ करना चाहते हैं। शादी? और करण के साथ? तारा, बर्बाद हो गई तेरी जिंदगी। तुम उसे कैसे जानती हो? मैं इस होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ और इस महापुरुष को अच्छी तरह से जानती हूँ। तारा, ये आदमी बहुत बुरा है, सच कह रही हूँ मैं, तेरी कसम। करण आ रहा है, अच्छा मैं चलती हूँ। सॉरी तारा, एग्रीमेंट साइन करने में जरा देर हो गई।
तुम सारा दिन करती क्या हो घर में? एक लड़की का ख्याल नहीं रख सकती तुम? बेटी जवान हो गई है, वो क्या करती है, कहां जाती है, कौन उसकी सहेलियां हैं, ये सब क्या मुझे देखना है? मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूं, घर का भी ध्यान नहीं रखूं क्या? सब तुम्हारे लाल प्यार का नतीजा है, तुम जिम्मेदार हो दीदी तुम। बेटा करण जी, कल तू उसके साथ बाहर गया था ना? हाँ डैड, पर मैंने तो उसे घर पर लाकर भी छोड़ा था। तेरा उसके साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं डैड। तो जरूर तूने उसके साथ कोई शरारत की होगी और वो बात उसे अच्छी नहीं लगी होगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया डैड, वो तो कल मेरे साथ बहुत खुश थी। तब वो कहां गई होगी? अच्छा तारा, अचानक कैसे आना हुआ और वो भी अकेली, तेरे साथ भी कोई नहीं आया? अपने पापा से पूछ के आई हो ना? क्या बात है, पूछ के आई हो ना? ये तूने ठीक नहीं किया, तेरे पापा कितने परेशान होंगे, तुझे कहां कहां ढूंढते होंगे। खैर राज, तारा के पापा को एक टेलीग्राम कर दो कि तारा हमारे पास है। ठीक है माँ। राज, तुझे मेरी कसम, तू पापा को टेलीग्राम नहीं करेगा। अब जल्द से जल्द मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए प्लीज, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। ला मुझे दे, ला। इस तरह सोने में तुझे तकलीफ तो होगी? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, तू आज बाहर सोएगा? क्या, मैं और बाहर सोऊंगा? हाँ, बरामदे में सोएगा। मैं और बरामदे में? लेकिन क्यों? देख राज, ये गांव है शहर नहीं, और तू गांव के रीत रिवाज को अच्छी तरह से जानता है। पराई लड़की घर आई है, तू अंदर कैसे सो सकता है? हाँ, मैं भी तो वही कहने वाली थी। मैं भी तो वही कहने वाली थी। ना जाने खुद को क्या समझती है। चल चल, ज्यादा नखरा मत कर, पास हो जा। ये सब इसकी वजह से हुआ है। चल तू भी सो जा। हाँ। बिल्कुल अपने पाप पे गया है। तू सो गया ना राज? चलो तुम भी सो जा। राज क्या देख रहा है? क्या सो जा, तुम भी सो जाओ। माँ देख लेगी। माँ तो कब की सो चुकी है। नहीं राज, कोई प्लीज राज छोड़ दे। राज कोई देख लेगा। नहीं ना राज। जागते रहो, जागते रहो। यार मस्ताने, दीवाने, बहुत ठंड है यार।
मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, ऐसा लगता है किसी के कंबल के अंदर घुस जाऊं। कंबल मसाने, वहां कंबल है, बोलिया वो मैं लपेटूंगा। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा। सीनियर कौन है? तू है, जा तू। वहां नहीं, वहां कोई सोया है। अरे हाँ, लेकिन माजी तो अंदर सोई है तो? और राज भैया ऊपर। हाँ, और तीसरा तो इस घर में कोई है ही नहीं। कौन हो सकता है? चोर, चोर, चोर हो सकता है। बताने क्या? जाओ उस चोर को पकड़। मैं नहीं जाऊंगा। क्या बोला? मैं नहीं जाऊंगा। सीनियर कौन है? तू है, जा दो। ठीक है। अब क्या होगा? दीवारे, क्या हुआ? क्या? चार पैरों का भूत। कहाँ? वाह। अरे मैं भूत भूत को नहीं डरता। अरे इसके पहले मैं जहाँ जिस गांव में नौकरी करता था ना, वहाँ पे भी एक भूत था। क्या? गांव वालों ने मुझे बताया था। क्या? मैंने गांव वालों को पूछा कहाँ है भूत, तो उन्होंने मुझे दिखा। तूने क्या किया? मैंने कहा भूत को हेलो भूत। तूने भूत को हेलो कहा? तो भूत ने कहा हाय हाय। मैंने कहा चल भाग। अच्छा, भाग गया भूत। अच्छा, तू इतना बहादुर है, भूत को हेलो किया। जा इस भूत को जाके हेलो कर। क्या हेलो? हेलो मुजरे उस भूत को। क्या हुआ, डर गया ना? अरे डरा नहीं मैं तो। चार पैर, दो पैर है, दो सिर्फ दो पैर। हाँ, या देख क्या? मैंने तो चार पैर देखे थे। अरे देख क्या ना। अच्छा अच्छा, राम 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 राम। क्या हुआ? सचमुच चार पैर है? अरे नहीं रे, दो पैर है। तो ही तो है तेरी तो। अरे मैं हूँ। अच्छा अच्छा, दो ही पैर है। देख दीवाने, इस गांव में भूत है। क्या? अरे बचपन से मैं यहाँ रहता हूँ। वो जो वहाँ कुआ है ना, वहाँ एक भूत आता है, औरत का भूत। हाँ, फिर घुंघरू बजने लगते है, छम 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 छम। फिर लालटेन दिखाई देता है, लालटेन। फिर वो लालटेन ऐसे हिलाती है, फिर नजदीक आने लगती है, ऐसे बिखरे हुए बाल। फिर उल्टी चली आती है और नजदीक आती है, बहुत नजदीक आती है और फिर हंसती है। कैसे? सचमुच के घुंघरू बजने लगे। अरे वो जेब में जो चिल्लर है ना, वो बज रहा है। अच्छा दीवाने, सुन घुंघरू की आवाज आ रही है। अरे नहीं यार, वो बैलों के गले में जो घुंघरू होते हैं ना, उसकी आवाज आ रही है। नहीं दीवाने, छम 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 छम। दीवाने लालटेन दिखाई दे रहा, लालटेन हिला रही है। नहीं वो जुगनू होगा, जुगनू लालटेन। नहीं दीवाने, लालटेन ही है, लालटेन हिला रही है, नजदीक आ रही है, बिखरे हुए बाल, उल्टी चली आ रही है। अब हंसेगी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी दूध निकालने वाला हूँ।
कैसे निकालते हैं? देख ले अभी। ये तूने क्या किया? मेरी साड़ी खराब कर दी। अरे तूने दूध बिना उबाले ही पी लिया? कच्चा दूध पीने में जो मजा आता है ना, वो उबले हुए दूध में नहीं। सच? हाँ सच, तू पी के देख। ये ले। पी लूं? पी ले पी ले। क्यों कैसा है? एकदम मीठा है। हेलो इंस्पेक्टर पाटिल, मेरी बेटी का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं साहब। तो क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? तलाश जारी है साहब। क्या खाक तलाश जारी है? मुझे हमेशा की तरह जवाब नहीं चाहिए। कितने दिन हुए, क्या तलाश कर रहे हैं आप लोग? सॉरी सर, मैं बहुत जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकालने की कोशिश करूंगा। राज! अरे तारा तू? और मेरा खाना लेकर? तो क्या हुआ, आज मैंने ही माँ से कहा था कि राज का खाना मैं लेके जाऊंगी। चल जल्दी आ जा खाना खाने को। अरे ये तेरे आंखों में आंसू कैसे? ये तो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि इतना टेस्टी खाना मैं अपनी जिंदगी में पहली बार खा रहा हूँ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आज ही माँ ने इतना अच्छा खाना कैसे बनाया। तू हंसती क्यों है? आज का खाना है ना? हाँ। मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, तभी तो मैं सोच रहा था कि आज का खाना इतना मीठा क्यों लगता है। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? हाँ हाँ खिलाओ खिलाओ, मगर एक शर्त पर। कौन सी? मैं भी तुझे खिलाऊंगा। चलेगा चलेगा। बड़े बेशरम हो। अभी मैं खिलाता हूँ। बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। तीखा है? अपने हाथों से बनाया है? पानी चाहिए। और खाएगी क्या? नहीं। पानी। तीखा पानी चाहिए? वो उधर पानी है, जाके पी ले। बहुत तीखा है। चल 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 चल। पी ले पानी। कैसे पीऊं? वो देख जानवर कैसे पीते हैं। पागल है क्या? जानवरों की तरह मैं कैसे पानी पीऊं? खैर मैं दिखाता हूँ। अब तू पी ले। हाँ हाँ पीती हूँ। ये और चाहिए? नहीं अब तुम पियो। अच्छा तो ये बात है, अभी तेरे को दिखाता हूँ। हे
ए जरा जल्दी हाथ चला। अरे माँ जी, ये क्या बना रहे हैं? इसे सिवैया कहते बेटी। माँ जी मैं भी बनाऊं? बनाओ। माँ उसको मत बिठाओ, उसको कुछ नहीं आता। क्या क्या कुछ नहीं आता, बना के दिखाऊं? हाँ हाँ, वो क्या खाने का काम है क्या? अभी तक मैं दोपहर का खाना भी नहीं भूला। माँ जी देखो ना कैसे चिढ़ा रहा है। इसकी फिक्र मत कर, इसकी पुरानी आदत है, तुझे सीखना है ना, जा बैठ। मिताली इसे दिखा, सिखा इसे कैसे बनाते हैं। हाँ ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे करो। कंद भाई आती नहीं, आती नहीं बाहर, आती नहीं। शांता भाई उसकी सेवा ही देखी, गांडुल की माफी खा रही है। अरे देखो देखो क्या सेवैया बना रही है, क्या मोटी मोटी सेवैया बना रही है, बिल्कुल केचुए की तरह। अरे पहले नीचे आ, मैं ऊपर आऊं? देख मैं ऊपर आ गया ना तो बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। निकालो और साथ में 5,000 रुपए लेके जल्दी इधर आओ। अंकल आप और पुलिस स्टेशन में? बेटा बहुत दिन हुए, तारा बेटी कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चल रहा, उसी के बारे में पूछने आए थे। तुम्हें कुछ मालूम है उसके बारे में? वो क्या है कि अंकल। बोल बेटे बोल, घबरा मत, अगर तुझे कुछ मालूम है तो हमें बता दे। मैं बताऊंगी लेकिन तारा को आप मेरा नाम मत बताना। कितना टाइम हुआ अभी तक माँ जी नहीं आई। अरे लगता है माँ जी आ गई। माँ जी आपकी वजह से मेरे बीबी बच्चे की जान बच गई। माँ जी आप साक्षात लक्ष्मी हैं, माँ जी आप साक्षात लक्ष्मी हैं। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा माँ जी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उठो, ये तो मेरा फर्ज था बच्चे को संभालना। जाओ घर जाओ। अच्छा।
अरे तारा, तुम क्यों रो रही हो? ये सब देखकर ऐसे लगा अगर मेरी माँ की डिलीवरी की टाइम आप होती तो शायद आज मेरी बात जिंदा होती। चुप हो जा, चुप हो जा। रोती नहीं, मैं हूं ना। आओ। तारा चल गाड़ी में बैठ। तारा सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा ना चुपचाप गाड़ी में बैठ। जाओ पकड़ के लाओ उसे। पार्वती ये तो दादागिरी हो गई। ऐसे मुंह संभाल के बात करो। पार्वती किसे कहते हो? पार्वती देवी कहो, ये हमारे गांव की देवी है। राज हथियार फेंक दो। देखो पार्वती बहन, किसी की जवान लड़की को अपने घर पर रखना आपको शोभा देता है क्या? किसी की जवान लड़की इतने दिन तक अपने घर से गायब रहे तो उसके बाप पर क्या बीती होगी? अगर आप मेरी जगह होती तो आपको कैसा लगता? कम से कम एक टेलीग्राम देकर उसके बाप को इत्तला करना आपका फर्ज नहीं बनता था क्या? वो फर्ज मैंने निभाया है। मेरे बेटे ने आपको टेलीग्राम भेजा था। मुझे नहीं मिला। राज तूने इन्हें टेलीग्राम दिया था? राज मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए। तूने इन्हें टेलीग्राम दिया था? नहीं। नहीं? क्यों नहीं? मैंने तुझे कहा था ना? माँ जी उसे मत मारिए, मुझे मारिए, क्योंकि मैंने उसे कसम दी थी कि तू पापा को टेलीग्राम नहीं करेगा। देखा सर जी, अब दोष किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? अच्छा अच्छा भैया, गलती मेरी बेटी की ही है। मेरे मुंह से कुछ भला बुरा निकला हो तो मुझे माफ करना। चलो बेटी। मैं नहीं आऊंगी। ऐसा नहीं करते बेटे, चल घर चल। नहीं मैं नहीं आऊंगी। बेटी ऐसा नहीं कहते, ये तेरे पिता हैं, ये तेरा बुरा क्यों चाहेंगे? जा इनके साथ जा। जाओ बेटी। चल अंदर, मैं कहता हूँ। घर से भाग के चली थी ना, चल चल अंदर। आज से तेरा इस घर से बाहर निकला पर तेरा खाना पीना भी इसी कमरे में होगा। दीदी इस पर कड़ी नजर रखना, अगर ये दोबारा यहां से भाग गई तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बेटे ये 5 लाख रुपए मजदूरों की तनख्वाह के हैं,
हमारी कंपनी का ये उसूल रहा है कि हर महीने की पहली तारीख को मजदूरों को उनकी तनख्वाह मिल जाती है। आज महीने की पहली तारीख है और मजदूरों को उनकी तनख्वाह मिल जानी चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। जी सर जी, आइए डैड। बेटा मैं 3 दिन के लिए कलकत्ता जा रहा हूं जी, और मेरी गैर मौजूदगी में मेरा कारोबार संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। ओके डैड, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ ठीक से संभाल लूंगा।
खा ले बेटी। नहीं। क्या बात है, तारा बिटिया ने खाना खाया या नहीं? नहीं भैया, मैंने बहुत कोशिश की मगर तारा खाने को तैयार ही नहीं। ऐसा नहीं करते बेटा, चल खा ले थोड़ा, खा ले। मैं नहीं खाऊंगी। देख बेटा, करण से शादी करने में ही तेरी भलाई है, मेरा कहा मान और राज को हमेशा हमेशा के लिए भूल जा, समझी? मैं मर जाऊंगी लेकिन राज को नहीं भूलूंगी। ये लो पैसा और राज को आज रात ही खत्म कर डालो। रुको, कौन हो तुम लोग? बेटा, ये क्या, बेटा ये क्या हो गया? बेटा, राज जी क्या हो गया बेटा? राज, राज बेटा, राज, राज, नहीं राज, नहीं राज, राज, माँ, माँ, तुझे क्या हुआ माँ? राज, राज, मेरा बेटा, राज, राज, वचन दे, तू तारा से कभी नहीं मिलेगा, मुझे वचन दे बेटा, मुझे वचन दे। ठीक है माँ। भैया, ये सब हम ही देख रहे हैं, असल में कुछ तारा को पहनना है, उसकी पसंद क्या है उससे पूछेंगे नहीं? पूछना तो जरूर चाहिए। तारा, तारा बेटे, बेटे इनमें से जो तुझे पसंद करना है वो कर ले। राज, चल खाना खा ले। माँ मुझे भूख नहीं है। अरे कैसे भूख नहीं है, क्या हाल बना रखा है तूने अपना? चल मैं ही खाना खिला देती हूँ, ले ले। कहा ना तुझे मुझे भूख नहीं है। भैया ताला क्यों लगाया? अब देखता हूं कैसे भागती है।
राज, 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 कहा ना मुझे खाना नहीं खाना है। ये खाना नहीं है, जा मेरी बहू को ले आ। डार्लिंग। हाँ बोल। हनीमून मेरे साथ और शादी तारा के साथ। स्वीटहार्ट, शादी तो मैं तारा के साथ ही करूंगा, तभी तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बनूंगा ना मैं। हाँ, और एक दफा मैं घर जमाई बन गया तो मैं राजा, तू रानी और तारा बनेगी अपनी दासी। तारा बनेगी अपनी दासी, तारा बनेगी अपनी दासी, तारा बनेगी अपनी दासी। आज मैं तुम्हारी शादी तारा से नहीं होने दूंगा। कैसे नहीं होने देंगे, हटो, ले जाओ इन्हें घसीट कर, ले जाओ। करण, तू ये बहुत बड़ा पाप कर रहा है। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा, उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। बंद कर दो इन्हें, बंद कर दो और बाहर से ताला मार दो। चलो जल्दी। अरे कहाँ आओ करण बेटा। पाए लगू अंकल, खुश रहो। नमस्ते। नमस्कार। क्या बात है, यशपाल नहीं आया अभी तक? जी हाँ, वो अब गांव से कुछ लोग आए ना, तो डैडी उनके साथ आएंगे। आइए 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 प्लीज। अरे पर्दा तो डाल दो। चाचा जान। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। हाँ सलाम। कौन है जी, आप लोग कौन है? जी जी, हम वो ये तारा की सहेलियां हैं, कॉलेज फ्रेंड्स। यू सी, मैं सलमा और ये फातिमा। अच्छा अच्छा, लेकिन तारा की सहेलियों को मैं तो आपसे पहले कभी नहीं मिला। कैसे मिलते? कैसे मिलते चाचा जान, हमारे घर के लोग हैं ना, बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं, हमें बाहर जाने ही नहीं देते। लेकिन तारा ने हमसे कहा अगर हम उसकी शादी पे नहीं आए तो वो हमसे कट्टी हो जाएगी, है ना फातिमा? इसलिए हमें आना पड़ा। हमने ठीक किया ना चाचा जान? सॉरी। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। दीदी। दीदी नहीं, तारा। नहीं नहीं, दीदी तारा के पास ले जाएगी। दीदी ये तारा की फ्रेंड्स हैं दोनों, इनको तारा के कमरे में ले जाओ। चलो शुक्रिया चाचा जान, शुक्रिया। तारा देख तेरी सहेलियां आई तुझसे मिलने। आदाब। मेरी सहेलियां? हाँ, ये है फातिमा और मैं हूँ सलमा। सलमा? हाँ। मेरी तो कोई ऐसे बुरखे वाली सहेलियां नहीं है। तू ही अपने हाथों से बुरखा उठा के देखना। छोड़ो, इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं हमारे पास, पहले कपड़े उतार। क्या? अरे तुझे बुरखा पहनना है कि नहीं पहनना है? शादी के पहले पागल हो गई। दीदी। जी भैया। दीदी तारा तैयार हुई या नहीं? भाई शादी का मुहूर्त बीत रहा है। आप चलिए भैया, वो तैयार हो रही है, मैं उसे जल्दी ही लेकर आती हूँ। ठीक है। सुचो तुम। रो मत, मत रो। क्या हुआ? कुछ कुछ हुआ। चेतना। क्या हुआ? कुछ कुछ हुआ। आंटी मैं तो जा रही हूँ, आप भी गले लगिए ना। नहीं नहीं, मैं गले नहीं लगूंगी। क्यों, आपको भी कुछ कुछ होता है क्या? मुझे कुछ नहीं होता। होगा भी कैसे, उम्र जो हो गई है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आ,
थैंक यू थैंक यू। पाए लागू। मेरी तमन्ना पूरी हो गई। आज तो पंडित जी ने भी मुझे आशीर्वाद दे दिया, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। मेरे परिणाम। अरे ये तारा की जगह दूसरी लड़की लग जा। अरे ले चल अपने संग। अरे गर्मी में बनूंगी पंखा। अरे बचाओ। बारिश में बनूंगी छाता। अरे ये कोई लड़की पागल लगती है। मैं बनूंगी कंबल। तेरे काम आऊंगी। ले चल अपने संग। ले चल मेरा पति मेरा परमेश्वर है। मेरा पति मेरा परमेश्वर है। मेरा पति सर मेरा है। मेरा पति मेरा मेरा पति का पैजामा मेरा है। मेरा पति का पैजामा मेरा है। अरे मेरा पति मेरा पति। अरे पकड़ा गया। अब तो हनीमून के बाद ही बाहर निकलेंगे। गुड नाइट। अरे कोई बचा मुझे। अरे अरे क्या कर रही है। अरे क्या कर रही है। अरे अरे सामने आ रही तेरे को। अरे अरे पीछे क्या पड़ गई मेरी। अरे पकड़ो पकड़ो। ओ मेरे राजा मेरे पास तो आ जा। क्या जाती मुझसे। हनीमून मना जा। अरे अरे मुझे अष्टपुत्र होना है। आठ पुत्रों की मां बनूंगी। अरे भागता है भागता है। ये तू मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। काट डालूंगी नारे का पास पति के पास बेटा। मेरी गलती मेरी समझ में आ गई है। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन तुम्हारा एक दूसरे के प्रति अटूट प्यार देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कौशल्या की चिता के सामने कसम खाई थी कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी बेटी के दिल को ठेस पहुंचे, लेकिन बेटा मैं वो कसम भूल गया। कौशल्या की आत्मा को बहुत बहुत तकलीफ पहुंची होगी। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन जब दुनिया वालों को पता चलेगा कि तू किसी लड़के के साथ भाग गई तो इस समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए मैंने खुद ही फैसला किया है कि तुम दोनों की शादी करा दूं। आजा बेटी मेरे पास आजा। ये माला एक दूसरे को पहना दो। आजा बेटी आजा। मत रो बेटा मत रो। देख मैंने तुझसे कहा ना कि मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। चुप हो जा बेटी। अपने बाप को और मत तड़पा। आजा बेटा तू भी आजा। आजा बेटा आजा। आशीर्वाद दीजिए। छोड़ूंगा नहीं। उतर जल्दी।
क्या बोलता है तू? क्या बोलू मैं? सुन सुना आता है क्या झोपड़ी में? अरे क्या करूं आके मैं झोपड़ी में? खाएंगे पिएंगे खटिया पे सोएंगे ऐश करेंगे और क्या? ये बात है तो मुझे एक मिनट दो, मैं भी रजाई लेके आता हूँ। रजाई किस लिए? झोपड़े में ठंड लगेगी तो मिलके ओढ़ सकते हैं। क्या पागल है? ठीक, रजाई की क्या जरूरत है? मैं तो साथ में हूँ। ये मत करो, मुझे कुछ कुछ क्या होता है? मुझे कुछ कुछ होता है। क्या होता है? मुझे कुछ कुछ होता है। गाली मार डाला। हाँ, ये इसी लायक था। धनराज अपना ही सिक्का खोटा निकला। इसने अपने ही बाप के साथ गद्दारी की। मजदूरों की तनख्वाह के 5 लाख रुपए ये चूहे में हार गया। इसने अपने ही घर में तवायफों को लाकर घर को कोठा बना दिया। शराब के नशे में चूर होकर ये मासूम लड़कियों की जिंदगियों से खेलने लगा। तब मुझे पता चला कि ये तारा बेटी के लायक नहीं है। अपनी दोस्ती निभाने के लिए, कौशल्या भाभी की आत्मा की शांति के लिए और तारा बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। बोल दोस्त, मैंने क्या गलत किया? यशपाल मेरे दोस्त, यशपाल।
बाद तेरा बेटे बाहर आ जा। धनराज, तारा ने बिल्कुल सही जीवन साथी चुना। तू तारा का हाथ राज के हाथ में देकर अपना आखिरी फर्ज भी पूरा कर ले। अंडर अरेस्ट। Ha ha ha.